एडमिट इट, यू मस्ट हैव नेवर थॉट कि इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स भी कभी अवेल हो पाएंगे आपके डोर स्टेप पे विद अ टच ऑफ योर फिंगर ऑन योर फोन। अर्बन क्लैप वो कंपनी है जिसने हिंदुस्तान के इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सर्विस मार्केट प्लेस में तब्दील किया। Founded in October 2014 by its three co-founders, Abhiraj Singh Bhal, Varun Khaitan and Raghav Chandra, today Urban Club operates in 8 cities. Over 20,000 service providers are active on Urban Club aur kareeb 5,000 log iski services use karte hain on daily basis. Hi guys, welcome to DB Spotlight. Aaj hamare saath hain Urban Club ke co-founder aur CEO. Actually CEO nahi because abhi thodi der pehle hi unhone mujhe bola ki unki company mein koi bhi CEO nahi hai. They are all at the equal level. He and his two co-founders Varun and Raghav. So today we have with us Abhiraj Bhal. Welcome to DB Spotlight. Thank you so much. Thanks for having me. Yeah. So tell me Abhiraj, अभी आप बता रहे थे मुझे कितनी सारी चीजें about your journey, how you started. So for now that we're on camera, probably how did it all go? What was that one moment जब आपको लगा कि मुझे ये plunge लेना है? I want to be an entrepreneur only. So थोड़ा सा मतलब flashback करना पड़ेगा इसके लिए. So Varun जो मेरा co-founder है, we both went to IIT together. तो हम लोग classmates थे IIT में and we knew each other very well from day one. उसके बाद वो न्यूयॉर्क चला गया पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, और मैं इंडिया में रहा. और एक पीरियड था बिटवीन 2011 एंड 2013 जब हम लोग हर वीकेंड बात करते थे कि ये आइडिया भी कर सकते हैं, वो आइडिया भी कर सकते हैं, और हमारे सारे आइडियाज़ काफ़ी नाइव से होते थे. अच्छा. बट हमें कोई आइडिया नहीं था कि बिज़नेस कैसे बनता है, कंपनी कैसे बनती है, बट हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे, ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है. वो टाइम था जब इंडिया में ई कॉमर्स बूम कर रहा था. तो टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा था. तो हम बहुत उससे काफ़ी वो थे, एनामोर्ड थे कि हम भी कुछ कर सकते हैं. बट वी नेवर एक्चुअली हैड द गट्स टू डू एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी वर बोथ इन कुशी जॉब्स विच वर वेल पेइंग, एंड वी नेवर रियली, हमने कभी एक्चुअली नहीं सोचा था कि हम किसी दिन क्विट कर लेंगे. अच्छा. फिर मैं सिंगापुर चला गया, वरुण न्यूयॉर्क में ही रहा, ये कॉन्वर्सेशंस चलती रही बट कुछ हुआ नहीं. एक दिन थोड़ा सा आई थिंक दोनों में फ्रस्ट्रेशन थी, दो साल तक ये बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा कि यार कब तक बातचीत करते रहेंगे, मतलब लोग बिजनेस बना रहे हैं, यू नो यंग लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज और हम लोग बस बातें करते रहेंगे. हाँ, तो उस दिन हमने डिसाइड किया कि यार कर लेते, छोड़ना पड़ेगा जॉब, छोड़नी पड़ेगी. हाँ, तो ये सबसे एकदम से क्विट कर दिया था जॉब? एकदम से नहीं क्विट किया था, डिसाइड करने के एक साल के बाद किया था, काफी प्लान किया था. तो पहले तो ये प्लान किया था कि इंडिया वापस आते हैं, उसी में हमें 6 महीने लग गए करते करते, वो उसका कुछ डिले हुआ, वीजा ये वो वगैरह वगैरह. बाहर नहीं करना था स्टार्टअप, इंडिया में, इंडिया में ही करना था क्योंकि इंडियंस हैं, इंडिया समझ में आता है, ये वो नेटवर्क इंडिया में है. तो ये क्लियर था कि इंडिया में करना है, कुछ इंडिया के लिए बनाना है. नौकरी छोड़ के कुछ करना, वो 50% तो वही होता है, वो गट्स लेना कि कुछ एक वेल पेइंग जॉब आप छोड़ दें, क्योंकि उस समय माँ बाप बोलते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो टाइप ऑफ थिंग. तो उसको पेरेंट्स ने क्या बोला कि मतलब कि शाबाश बेटा नौकरी छोड़ दी, एंटरप्रेन्योर बनोगे अब? तो मेरी तो फैमिली में कोई भी मतलब दूर दूर तक एंटरप्रेन्योर नहीं है, मतलब सब गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब. तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ वो सीन क्या हुआ होगा फिर, तो बेटा तूने आज छोड़ दी है नौकरी, हम लोगों को क्या बोलेंगे टाइप. काफी टाइम तक ऐसी कुछ था, है ना? हाँ. तो धीरे धीरे समझाना पड़ा कि कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा साल भर बाद वही नौकरी फिर से मिल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. इवेंचुअली आई थिंक उन्हें शुरू में उन्हें लगा कि एक भूत सवार है इसके ऊपर, उतर जाएगा. फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं उतर रहा है, इसने तो जॉब छोड़ दी और कुछ ना कुछ करे ही जा रही है, तो फिर आई थिंक दे फाइनली सेट कि ठीक है करने देते हैं इसको जो करना. अच्छा. है लेट्स सी क्या होता है टाइप. और वरुण के घर में भी ऐसे ही कुछ? वरुण का घर ऑपोजिट है, वरुण की पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली है. ही वॉज द फर्स्ट इंजीनियर फ्रॉम हिज फैमिली हु वॉज डूइंग अ जॉब. अच्छा. बाकी उसकी पूरी फैमिली एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली है, तो वो लोग तो बहुत खुश थे कि बेटा फाइनली जो है तो सही ट्रैक पे आ गया. तो काफी ऑपोजिट था मेरी फैमिली और वरुण फैमिली. क्रेडिट गो आई मीन गो टू यू कि भाई अभिराज की वजह से हमारा लड़का जो है एंटरप्रेन्योर बन गया. आई थिंक थोड़ा बहुत क्रेडिट तो जाता है. अच्छा. आई वुड से ऑल्दो वरुण वुड डिसएग्री, बट हां मैं कहता हूं थोड़ा बहुत क्रेडिट तो जाता है. ओके. सो यू बोथ लाइक देन यू स्टार्टेड ऑफ. Yes. And उस वक्त आपने कुछ एक छोटा सा कोई कुछ आपने business start करा था, you were just telling me which did not work. I don't think we put in a lot of thought into it. तो वो वारुण के साथ था? वो वारुण के साथ ही था. Failure ही था वो? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ही failure था. आजकल तो failures में लोग बड़े pride लेते हैं, हाँ failure था यार, now we're successful. Did it not like sort of pull you down कि यार एक बार हम इतना बड़ा झटका लग चुका है, 6 महीने तक हम कर रहे थे and did not work out.
तो फिर से एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी है। इतना ज्यादा हमने सोचा नहीं था उसके बारे में, मतलब एक्चुअली एक दिन हम दोनों ड्रंक हुए और हमने कहा कि यार ये बिजनेस तो चला नहीं, इसको बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ थिंग। एंड आई थिंक जब हमने जॉब छोड़ी थी तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि 5-6 साल तक तो यही करना है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा हम उससे वो हुए थे, मतलब हमने ज्यादा सीरियसली उसको नहीं लिया। तो व्हाई अर्बन क्लैब देन? हाँ, सो आई थिंक अर्बन क्लैब तब तक राघव ने ज्वाइन कर लिया था। राघव का भी फर्स्ट बिजनेस जो है बंद हो गया था। अच्छा, वो कुछ और कर रहा था अपना खुद से। हाँ, so राघव की एंट्री कैसे हुई फिर? तो राघव का फर्स्ट बिजनेस बंद हो गया था। एक्चुअली राघव और हम उसी समय मिले थे जब हम दोनों ने फर्स्ट बिजनेसेस अपने स्टार्ट किए थे। अच्छा, वरुण और मैंने और राघव ने। हाँ, हमारा बिजनेस बंद हो गया, मैं राघव को भी ट्रैक कर रहा था। हाँ, मुझे लग रहा था कि इसका भी बंद हो जाएगा, वो बंद हो गया। Oh my God, मतलब actually मैं कोई किसी के लिए ऐसे कोई मांग सकता है कि यार उसका business बंद हो जाए? Actually मुझे काफी खुशी हुई जब उसने अपना business बंद कर दिया, क्योंकि हमें एक tech co-founder की जरूरत थी और राघव एकदम perfect बंदा था उसके लिए। अच्छा। उसको tech भी आता था और उसने एक business भी किया हुआ था, तो उसको पता था कि business में क्या challenges होते हैं। तो basically तीन failures मिल गए। और उन्होंने सोचा कि अब तो हम successful होकर ही मानेंगे। I think सबसे बड़ा trigger ये था कि तीनों कहीं ना कहीं काफी time हमने abroad spend किया था, तो जब हम लोग वापस आए इंडिया में तब जब हमने देखा कि यार कितना मुश्किल है ये सारी चीज़ें मिलना, चाहे वो एक कारपेंटर हो, मेरी उस समय शादी हुई थी, शादी की जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा। okay. मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा था सब कुछ एंड इट वाज नॉट इजी एट ऑल। मुझे याद है वरुण वाज लुकिंग टू लर्न गिटार, उसको गिटार ट्रेनर नहीं मिला। वरुण इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी। वरुण इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी। अच्छा, वो मैंने ऐसी गेस के लिए अपनी गिटार वाली बात बोली तो मुझे लगा आईआईटी से ही होगा। I think ये सारी services, मतलब so it was your problem that you wanted to... it was very clear to us कि ये तो मतलब काफी बड़ी problem है जो बहुत सारे लोग face कर रहे हैं। But tell me one thing, ऐसा क्यों होता है कि सारे entrepreneurs यही बोलते हैं? If you ask Ritesh Agarwal, he'll tell you कि मैं एक दिन निकला था तो मैंने देखा कि budget hotels नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं थे, so I wanted to you know sort of make it easier for everyone now. Yep. Same is the case with you, and not just with you, I think 90% of the entrepreneurs will say this story. Yep. You think this is actually a story या ये सच में यही होता है entrepreneurs के साथ कि वो problem solve करना चाहते हैं? I think if you're starting a business, it has to solve somebody's problem. That is prima facie. मतलब अगर कोई problem नहीं solve कर रहे हैं आप, तो आप एक sustainable business कभी नहीं बना पाओगे. That's my view. इस opportunity में specifically क्या आपको challenges थे जो initially you thought कि ये तो मतलब एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है, बट फिर भी यू ओवरकेम, व्हाट वर दोज मोमेंट्स? तो आई थिंक शुरू में तो हमारे पास बिल्कुल पैसे वैसे तो कुछ थे नहीं। हाँ, हमने पैसा तो एक बाय डिफॉल्ट तो है ही है, मतलब दैट्स लाइक फॉर ग्रांटेड कि पैसे तो होते नहीं है भाई स्टार्टअप है तो। हां, अदर देन दैट, तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम जो थी उसी के अराउंड थी। अच्छा, कि बिना पैसों के बिजनेस कैसे बनाना है? तो हमारा तो एक मार्केट प्लेस बिजनेस है, कस्टमर्स होते हैं और हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स होते हैं, तो पहले तो सर्विस प्रोफेशनल्स को ऑनबोर्ड करना था, कहीं पे आपको स्टार्ट करना होगा। वो तो सबसे ज्यादा मुश्किल है इन अ सर्विस मार्केटप्लेस। करेक्ट, जब प्लम्बर्स कारपेंटर्स इन लोगों को एक्चुअली में समझाना कि ये है क्या, जो कि एक्चुअली में इंडिया में बहुत बहुत मुश्किल, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ऐसा कोई मॉडल। बिल्कुल। तो और अब तो अर्बन क्लब का थोड़ा ब्रांड बन गया, तो अब तो फिर भी इजी होता है। ओके, तो हम लोग सबसे खुद जाके मिलते थे, तो कई बार मतलब हमें वेट कराया जाता था, कल आओ परसों आओ। हम उस समय बोलते थे कि हम इस कंपनी को चेंज कर देंगे, तो कहते थे कि सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। तो जब वेबसाइट लाइव गई तो हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया कि अब और सर्विस प्रोफेशनल्स को लाने के बजाय इनको बिजनेस देते हैं, तो डिमांड साइड बनाते हैं। तो डिमांड साइड बनाने के लिए वरुण और मैं फिर से मार्केट जाते थे। आई थिंक दिल्ली के जितने भी मार्केट्स हैं हम हर एक में गए होंगे और हमने लोगों को पकड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं वेडिंग फोटोग्राफर्स का। हाँ। तो जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं हमारे मार्केट में, उनको बिजनेस लाने के लिए हम लोग चावड़ी बाजार और चांदनी चौक जाते थे। वहाँ पे जितनी भी यंग ब्राइड्स आर शॉपिंग फॉर देयर लहंगा, तो हम उनको पकड़ते थे, उनको बोलते थे कि ये देखिए अर्बन क्लब के वेडिंग फोटोग्राफर मिलते हैं, आप तो ढूंढ ही रहे होंगे ये वो। तो इस टाइप से हम लोग कस्टमर्स लेके आते थे। ओके, तो 2014 में तो कुछ 70 ऐसे स्टार्टअप शुरू हुए थे जो कि होम सर्विस मार्केट प्लेस में उन्होंने वेंचर आउट किया था। सो यू थॉट दैट एक्चुअली में मतलब यू कैन स्टैंड आउट, और ऐसा क्या अलग था अर्बन क्लब में दैट मेड यू कॉन्फिडेंट इनाफ अबाउट द प्रोडक्ट? आई थिंक दो ही चीज़ें। एक तो शुरू से ही हम लोग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस था कस्टमर एक्सपीरियंस पे, उस पर हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आपका ये मतलब बाकी स्टार्टअप्स ने कस्टमर एक्सपीरियंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करा? हाँ,
ओके दैट वाज प्रीटी कैंडिड. तो ये एक चीज थी. दूसरी चीज थी हम लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे और अभी भी हैं. वेदर इज द क्वालिटी ऑफ द टीम जो हमने बनाई, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं. आज भी मैं सातों दिन काम करता हूँ, मेरी टीम बहुत ज़्यादा काम करती है. आई थिंक अग्रेशन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि हम सब बहुत पैशनेट है इस चीज़ के बारे में. तो हम लोग के लिए तो ये एक वॉर की तरह है. ओके. तो उसमें हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी. यू बिलीव इन कॉम्पिटिशन? ऑफ कोर्स आई बिलीव इन कॉम्पिटिशन. यस, कॉम्पिटिशन इज गुड थिंग, इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू. इट्स जस्ट दैट नाउ वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन. अच्छा. आप देख लें क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर, अगर आप देख लें, आप किसी भी मेट्रिक पे देख लें, टीम की क्वालिटी, फंडिंग रेज, ऐप डाउनलोड, आप कोई भी मेट्रिक ले लें, हम कम से कम 5-10 गुना बढ़े हैं फ्रॉम द नियरेस्ट कंपेटिटर. ओके. इन द स्पेस. सो यू डिड नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग पीपल. हाउ वर यू एबल टू मैनेज? मतलब आपको दिमाग में कैसे आया कि यार मैं इतना बड़ा ऑफिस कैसे संभालूंगा, इतने सारे लोग कैसे संभालूंगा? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पीपल एट द एंड ऑफ द डे, राइट? बिल्कुल. एक्चुअली दिस फॉर ऑल थ्री ऑफ अस हैज नॉट बीन ईजी, टू बी ऑनेस्ट. लाइक ये जो पीपल मैनेजमेंट की जर्नी है, आई नो, और हमारी खुद की लीडरशिप जर्नी एक तरीके से कह लीजिए, दिस हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, इससे पहले हमने कभी भी अपने प्रीवियस जॉब में किसी को मैनेज नहीं किया था फॉर्मली. सो वी नेवर हैड पीपल रिपोर्टिंग इनटू अस. राइट. तो फर्स्ट इन्वेस्टर मीटिंग कैसी थी, क्या था वो एक्सपीरियंस? फर्स्ट आई थिंक फॉर्मल इन्वेस्टर मीटिंग कुणाल बहल और रोहित बंसल जो स्नैपडील के फाउंडर्स हैं उन्हीं के साथ थी. काफी कैंडिडेट थी, रोहित बंसल के साथ थी. हम लोग उस मिले थे उनसे पहले, उस मीटिंग से पहले कभी उनसे? उसी समय पहले हम तो मनी वनी के लिए भी नहीं गए थे. हमने अर्बन क्लब का आइडिया सोचा था. हाँ. और हम उस आइडिया को लेके गए थे कि आपके इनपुट्स चाहिए. हम लोग आई थिंक 2 महीने से अर्बन क्लब पे कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे थे. तो रोहित ने सारा कुछ देख सुना, उसने कहा कि तो ठीक है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो हमने कहा कि बस हम लोग सोच नहीं, पैसे नहीं, हम सोच रहे हैं. तो रोहित ने कहा कि यार इतना तो हमने स्नैपडील खोलते समय भी नहीं सोचा था, जितनी रिसर्च तुम लोग ने कर लिया, बस मुझे लगता है अगर आप 2011 में बनाने की कोशिश करते तो नहीं बनता. Because consumers were not used to doing things online and services mein trust baat bahut zyada hota hai. Right. And jo service professionals hain, unke paas smartphone nahi aaya tha. To agar aap dono side smartphone pe nahi hai, to real time matchmaking, real time wo sab business ko run karna impossible hai. I get it. To desktop era mein ye business nahi ban sakta tha. 2018 mein agar aap isko shuru karte to bahut late ho jata. Right. To iska sahi timing hi 2014 tha ek tarike se. To wahan tak luck play karta hai ki जो बिजनेस आप बना रहे हैं, क्या उस हैज दैट आइडिया कम ऑफ एज? अच्छा. सो व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल इन ऑल दिस? वी चार्ज अ कमीशन फ्रॉम आवर सर्विस प्रोफेशनल्स फॉर एवरी ऑर्डर दैट वी सेंड टू देम. अच्छा. तो वो कैटेगरी बाय कैटेगरी वेरी करता है. वेडिंग फोटोग्राफर में अलग है, प्लंबर में अलग है, बट बेसिकली द मनी दैट वी मेक इज थ्रू अ कमीशन. कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग? नो एडवर्टाइजिंग. नो एडवर्टाइजिंग एट ऑल? नो एडवर्टाइजिंग. आपकी ऐप पे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है? वेबसाइट पे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करते? अच्छा. इट्स अ वेरी क्लीन, नाइस वेबसाइट. मुझे जो ये लगती है वो ये है कि यू आर नॉट अलाइंड, आपका बिजनेस मॉडल है दैट इज नॉट अलाइंड टू द सर्विस प्रोफेशनल्स. तो अगर हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है, हमें उतना रेवेन्यू मिलता है जितना हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स को बिजनेस मिलता है. तो अगर आप कल को अगर 10x ट्रांजेक्शन होते हैं अर्बन क्लब में, हमारा रेवेन्यू 10x हो जाए. एडवर्टाइजिंग का एक लिमिटेशन है. अगर 10x transactions भी हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर भी आपका ad revenue उतना ही रहता है. तो the platform does not grow. तो एक early start तो मिल जाता है, but growth नहीं आता. अब आप next investment के लिए fund raise करने के लिए कब जाने वाले हैं? हम कभी fund raise करने के लिए गए नहीं है कहीं पे भी. क्यों? वो हमारी philosophy नहीं है कि लोग इसे जाके पैसे मांगना. I think हमारी philosophy है कि अच्छी companies discover होती हैं. Do you think that's demeaning? कि लोगों से जाकर fund raise करना? It's not at all demeaning. I think every company has a known philosophy. Hamari philosophy hai ki we are building something very good and we are happy to talk to everybody.
But do you think that these conferences on startups or media advertising and marketing, ये जितनी भी होती हैं, do you think that they actually, मतलब they are worth it? No. Why do you think so? Especially if you are an early stage business. देखिए जब आप establish हो गए, आप बहुत बड़े business हो गए, तो आपको जो करना है But when you're in early stage business, then anything that takes your time away from the business is not worth it. ये accelerator programs, communities. I would never advise anyone. You never went to these? We never went to any of these. We never attended. I think the first conference I attended was as a speaker. Acha. I never attended any of these conferences. Okay. Until date, I attended. आजकल बहुत ज़्यादा हो गया. मतलब it's actually it has become in a way a business. Yeah. So do you think it's right? No, it's not. Okay. Why do you think? Entrepreneurs should focus on their business. They should not attend conferences. Okay. और कभी ऐसा moment था कि जब कभी ऐसा लगा हो कि यार ये कहाँ फंस गए, कौन सा हमने सर्विस मार्केट प्लेस का आइडिया ले लिया, ये बहुत ही बेकार आइडिया है। I think कुछ शुरू में मैं अपना नंबर जो है वो वेबसाइट पे देता था, अब नहीं देता, बट काफ़ी टाइम तक मेरा नंबर वेबसाइट पे था। मुझे मतलब रात के 4-4 बजे फ़ोन आते थे कि आप इसमें हेल्प कर सकते हो, उसमें हेल्प कर सकते हो, तो उस समय लगता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब रात के 4 बजे फ़ोन ले रहा हूँ। तो रात के 4 बजे आपको फ़ोन आते होंगे, आपकी वाइफ तो मार डालती होगी आपको एकदम? हाँ, वाइफ बोलती थी कि क्या करें ना। शी वाज ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ यू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। शी वाज ऑलवेज सपोर्टिव, या शी वाज द वन हु एक्चुअली रियली पुश्ड मी। ओके। लाइक बिफोर वी गॉट मैरिड वी वर डेटिंग, तो उस समय शी वाज लाइक वेरी कीन कि मैं अपनी कंसल्टिंग की जॉब छोड़ दूं एंड आई डू समथिंग ऑन माय ओन। Okay. So now is she happy with her decision? I think there are moments when she has second thoughts. Exactly. But I think in her heart, like, she's very, very proud of what we've done at Avanti. Yeah. Okay. So what about Varun? He has a love life, he's married. Varun has a love life. Yeah. He's not married. Huh? He's dating a girl who just moved from the US to India for him. Okay. So that's a pretty for big him. Move. For him, yeah. That's wow. a pretty big move. Yeah. Okay. So he does. Okay. Raghav has no love life. Oh. Yeah. So he's a techie. He's a techie. Is he's that actually why? Pretty smart, good looking techie. Okay. Guys, that has no love life. That's sort of a, you know, for all the girls जो कि ये show देख रही हैं, for them I think Raghav, you said, yeah, he's a bachelor, yeah. and he is a co-founder of Urban Clap. So if at all you want to, you know, sort of, yeah. and he's 26. You know, 26 only, yeah. only, yeah. yeah. I think 25. So, अभी spotlight का matrimonial काम भी हमने शुरू कर दिया है मेरे ख्याल से. So what is the one thing that you always wanted to achieve? Dream of it's a dream that we all share at Urban Clap. Of seeing Urban Clap having created 1 million jobs for these service professionals in India, like almost creating a new middle class of plumbers, electricians, and I think this dream became real. मुझे एक दिन one of a guitar tutor on Urban Clap, he called me and he said कि यार I used to be a dentist and I used to hate being a dentist. And मैंने एक दिन ऐसे register किया Urban Clap पे to teach guitar on weekends. अच्छा. तो एक customer आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, and in 2 months he shut his dentistry business lock, stock and barrel, and now he's a full time guitar tutor on Urban Clap. तो उस दिन मुझे लगा कि यार this can become bigger than like this dream can be a much bigger dream of actually creating potentially millions of jobs for Indian service professionals. And we have not even remotely reached there. आपके competitors को आप तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, हमारे competitors हम तक नहीं पहुंच सकते, कुछ भी नहीं. They should just shut their businesses down and focus on new ideas. This is like an out and out challenge. ये क्या हो रहा है? What is this? How can you say this? They have every right to exist. No, they don't. They don't? So, unicorn कब बनोगे आप? I think वो सब outcomes हैं, we don't chase. तो बनना चाहते हो अब unicorn? बिल्कुल, कभी ना कभी बन जाएंगे अगर अच्छे से काम करते रहते, but it's not something that we are focused on. On that note, Abhiraj, well, I wish you all the best. Thank you so and much. And I'm very, very sure that you might just break into unicorn, as you were telling me offline, you were telling me that next year he's aiming to. Thank you for being on DB Spotlight. And viewers, if you like this video, I'm sure you do, so please social media pe share karo yaar, kyun nahi karte ho, karra karo yaar, like karo, you know, talk to everybody about us, because this is a very cool show, you have to agree to it. Bye. Cool, thank you so much for having me. Thanks. It's been a pleasure.